भारत को, भारत की विविधता, भारत की डाइवर्सिटी जो कोस कोस पर पानी और बोली बदलती है वो जोड़ता है। इस अनेकता में जो एकता है वो जोड़ती है। भारत को गांधी की आत्मा, गांधी के आदर्श जोड़ते हैं। भारत को ये सारी चीजें सजो कर जोड़ कर रखती हैं। आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, आय कम हो रही है और उस बीच में महंगाई ऐसी आई है जिसमें बड़ी चीजों का नहीं, आटा, दाल, चावल, रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीजों तक का दाम आसमान छू रहा है और ऐसे में स्थिति बड़ी भयावह है। लोग एक टाइम का खाना, दो जून की रोटी जुटाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मुश्किल है। जो माहौल है उसने देश के हौसले को, युवाओं के हौसले को तोड़ कर रख दिया है और वो टूट इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि सरकार बजाय समस्या का समाधान करने के समस्या देखकर मुंह मोड़ रही है। भारत का जो सोशल फैब्रिक है उसमें अनेकता में एकता है। हम तो उस भारत में जन्मे और उस भारत में बड़े हुए हैं जहां पर होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरुपूरब सब मनाया जाता है और एक साथ हर्षोल्लास से मनाया जाता है। एक ऐसे भारत के ताने बाने को तोड़ा जा रहा है। भारत में भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। लेकिन ये याद रखा जाए कि जो भारत का फैब्रिक है, जिसको मैं बार बार महात्मा गांधी का भारत कहती हूँ, वो ताना बाना बहुत एकजुट होने का है। कुछ लोग इसको क्षणभंगुर करके तोड़ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत बड़ा, बहुत उम्दा, बहुत पुख्ता कदम है देश को जोड़ने के लिए और देश तरह तरह से खंडित हो रहा है। अमीरी और गरीबी के बीच में खंडित हो रहा है, राज्यों के बीच में लड़ाई करा के इस देश को खंडित किया जा रहा है, केंद्र और राज्य के बीच में टेंशन से देश खंडित हो रहा है और सबसे ज्यादा खंडित तो देश हो रहा है युवा जो बेरोजगार है, लोग जो महंगाई की मार झेल रहे हैं, धार्मिक उन्माद जो फैलाया जा रहा है और सरकारें फैला रही है। इस माहौल को खत्म करने के लिए एक एक व्यक्ति को कदम बढ़ाना पड़ेगा और इस देश को जोड़ना पड़ेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए तो जुड़ जाए अपना वतन।